बिसमिल्ल रन रही सो इस लेक्चर में हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर थ्री को क्वेश्चन नंबर थ्री कह है कि यूजिंग कंपोनेंट टू एंड यूजिंग कंपोनेंट डू एंडरम फाइंड दूस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस एक्स प्लस जी सो so, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा जो है समझ ले उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का सो so, ये जो मेरे पास जिसकी मैंने वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा डिसाइफर करते हैं डिसाइफर का मतलब ये है कि इसको मजीद डेप्थ में समझते हैं सो so, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास जो है दो नंबर्स है एक एक फ्रैक्शन है फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स रेशो थ्री वाई ठीक है सो आप अगर मैं एक्स रेशो थ्री वाई पर जो है कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड टू थ्रे में अप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास क्या होगा एक्स प्लस थ्री वाई ठीक है और नीचे मेरे पास क्या होगा नीचे मेरे पास बन जाएगा एक्स माइनस थ्री वाई ठीक है एक्स माइनस थ्री वाई बन जाएगा इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो अगर मेरे पास अच्छा यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा इसको दोबारा नोट कर लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या था एक्स डिवाइड बाय थ्री वाई इससे मैंने क्या बना दिया एक्स प्लस थ्री वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री वाई बाई यूजिंग कंपोनेंट डू एंड डिविडेंडो थ्योरम इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पे जो है एक फ्रैक्शन हो एक रेशो हो x डिवाइडेड बाई टू वाई सो अगर मेरे पास x डिवाइड बाई टू हो और मैं उस पर कंपोनेंट डू एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा x प्लस टू वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस टू वाई ठीक है सो so, अब देखो अगर आप चेक कर ले तो ये जो मेरे पास एक टर्म है ये हमने हम इस तरह फाइंड कर लेंगे और ये जो मेरे पास एक फ्रैक्शन है इसको हम इस तरह फाइंड कर लेंगे कैसे फाइंड कर ले यानी इस फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए जो है मेरे पास क्या चीज़ होना चाहिए x डिवाइडेड बाय थ्री वाई और इस तरह के फ्रैक्शन ये जो फ्रैक्शन है इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए x बाय टू वाई ठीक है सो अगर मेरे पास ये दोनों ये दो फ्रैक्शन आ जाए तो मैं इससे जो है कॉम्प्लेक्स जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको फाइंड कर सकता हूं अच्छा लेकिन क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है कि आपके पास x इज इक्वल टू सिक्स वाई स्क्वाइड बाई वाई माइनस जी है इससे आपने जो है क्या फाइंड करना है वैल्यू फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का यानी x प्लस थ्री वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री वाई प्लस एक्स प्लस टू वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस टू वाई सो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है हम लिखेंगे हम यहाँ पे जो है लिखेंगे कि गिवन दैट गिवन हमारे पास है एक्स इक्वल टू सिक्स वाई स्क्वे डिवाइड बाय वाई माइनस जी नाउ मुझे एक तो चाहिए एक्स के नीचे थ्री वाई अगर मैंने x प्लस माइनस थ्री वाई फाइंड करना हो तो मेरे पास जो है x डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए थ्री वाई एक्स डिवाइड बाई थ्री वाई सो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते मैंने कहूँगा x इक्वल टू सिक्स के बजाय मैं यहां पर लिखूंगा टू वाई इन टू थ्री वाई देखो टू थ्री सिक्स वाई मल्टीप्लाई बाय स्क् वाई मल्टीपाइड बाय वाई जो है वो दोबारा क्या बन जाएगा y square. So, y को y से करोगे दोबारा क्या बन जाएगा सिक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा यहां पर मेरे पास वाई माइनस जी अपनी जगह पर सो so, आप चूंकि मुझे जो है एक्स के नीचे क्या चाहिए थ्री वाई चाहिए तो मैं थ्री वाई को जो है यहां पे मैं यहाँ पे जो है क्या कर रहा हूँ कि जो थ्री वाई है इसको ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह आके क्या यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सो मैं देखूँगा x डिवाइडेड बाय थ्री वाई इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा टू वाई डिवाइड बाई वाई माइनस जी ठीक है अच्छा ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को जो है हम नाम देंगे आम, इस इक्वेशन को जो है हम नाम देंगे क्या चीज इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन क्योंकि इसको हमने दोबारा भी यूज करना है ये तो हमें अभी फिलहाल हमें मिला, मिला क्या चीज एक्स डिवाइड बाय थ्री वाई इसी तरह मुझे जो है एक्स डिवाइड बाय टू वाई भी चाहिए होगा ठीक है सो अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंट टू एंड ड्यू बाय यूजिंग कंपोनेंट डू एंडिडेंट टू तेरम कंपोनेंट डू एंडेड क्या कह रहे हैं कि एक्स प्लस थ्री वाय डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री वायल टू राइट एंड साइड में भी अप्लाई कर लो टू वाय प्लस वाय माइनस सी डिवाइड बाय टू वाय माइनस y जी यहां पे मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख लिया y माइनस जी को क्योंकि इसके बाहर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है जो कि इसके अलामत को चेंज कर लेगा सो हमारे पास होगा x प्लस थ्री वाई एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू टू वाई प्लस वाई थ्री वाई माइनस जी डिवाइडेड बाय टू वाई माइनस माइनस जो है आ,

अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फाइंड कर लिया एक्स प्लस थ्री वाई हमने फाइंड कर लिया एक्स प्लस थ्री वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री वाई की वैल्यू को अब हम फाइंड करेंगे एक्स प्लस टू वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस टू वाई की वैल्यू को और जब उसकी वैल्यू भी फाइंड हो जाए फिर हम इन दोनों के वैल्यूज को आपस में एट करेंगे सो इक्वेशन नंबर वन में अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है लिखेंगे कि अभी मुझे इस टाइम जो है एक्स के नीचे यहाँ पे टू वाई चाहिए ठीक है बजाय थ्री वाई के मुझे क्या चाहिए इस टाइम टू वाई चाहिए तो मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एक्स लिखा हुआ था यहाँ पे मेरे पास था थ्री वाई इंटू टू वाई डिवाइड बाय

अगेन यहां पे जो है कंपोनेंट टू एंड डिविडेंट टू थ्री में अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंट टू एंड टू तेरम हमारे पास क्या होगा कंपोनेंट टू एंड थ्री में अप्लाई करने के बाद क्या होगा एक्स प्लस टू वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस टू वाई यहां पे भी अप्लाई कर ले राइट साइड पे तुम्हारे पास होगा थ्री वाई प्लस वाई माइनस जी डिवाइड बाय थ्री वाई माइनस वाई माइनस जी थोड़ा सा मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस टू वाई एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री वाई प्लस वाई फोर वाई माइनस जी इक्वल टू थ्री वाई माइनस वाई प्लस सी ब्रैकेट ओपन कर लिए तो अंदर के अलामात क्या हुए चेंज हो गए ठीक है ना एक्स प्लस टू वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर वाई माइनस जी डिवाइड बाय थ्री वाई माइनस वाई इज टू वाई प्लस जी ठीक है सो ये हमारे पास आ गया क्या चीज़ क्वेश्चन नंबर करते हैं इसको थ्री अब अगर हम यहां पे देख ले तो इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर टू जो है इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर टू जो है उसमें हमारे पास जो है ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गए एक्स प्लस थ्री वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री वाई क्वेश्चन नंबर टू से मिल रहा है और एक्स प्लस टू वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस टू वाई जो है ये क्वेश्चन नंबर थ्री से मिल रहा है सो हम लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर टू को आपस में क्या करेंगे एड कर लेंगे ठीक है सो हम लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री सो इक्वेशन नंबर टू में हमारे पास आ रहा है क्या चीज एक्स प्लस थ्री वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री वाई प्लस इक्वेशन नंबर थ्री में इक्वेशन नंबर थ्री का जो लेफ्ट हंड साइड है वो क्या है एक्स प्लस टू वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस टू वाई लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो so, जो इक्वेशन नंबर टू का राइट हैंड साइड है वो है थ्री वाई माइनस जी और नीचे है राइट हैंड साइड है फोर वाई माइनस जी फोर वाई माइनस जी

ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा थ्री वाई माइनस जी इंटू टू वाय प्लस जी प्लस फोर वाई माइनस जी इंटू वाई प्लस जी ठीक है सिंपल एलसीएम लेना है यहां पे नाउ ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे पास बनेगा हमारे पास आ जाएगा कि हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे इसको थ्री वाई को टू वाई के साथ फिर थ्री वाई को जी के साथ देन जी को टू वाई के साथ देन जी को जी के साथ ठीक है सो क्या बनेगा हमारे पास थ्री वाई एंड टू वाई सिक्स y स्क्वेयर थ्री वाई को जी के साथ करोगे तो थ्री वाई जी बन जाएगा फिर माइनस जी जो है वो टू वाई के साथ होगा तो माइनस टू वाई जी देन माइनस प्लस माइनस जी को जी के साथ करोगे तो जी स्क्वायर बन जाएगा प्लस ना इसी तरह हम यहाँ पे भी, भी करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे फोर वाई को फोर वाई के साथ तो फोर वाई स्क्वेयर देन थोड़ा सा मैं इसको राइट हैंड साइड पर ड्रैग करता हूं So, मेरे पास आएगा फोर वाई स्क्वेयर देन फोर वाई को जी के साथ फोर वाई जी माइनस जी को वाई के साथ माइनस जी वाई माइनस जी को प्लस जी के साथ माइनस जी स्क्वेर डिवाइडेड बाय वाई प्लस जी डिवाइडेड बाय टू वाई प्लस जी थोड़ा सा मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा um, वाई स्क्वेयर प्लस 4y वाई स्क्वेयर दैट विल बी टेन वाई ठीक है प्लस इसके बाद जो है प्लस थ्री वाई जी प्लस फोर वाई जी दैट इज सेवन वाई जी अब हमारे पास बच गया क्या चीज़ हमारे um, पास बच गया अच्छा सॉरी यहाँ पे है प्लस थ्री वाई जी माइनस टू वाई जी दैट इज वन वाई जी वन वाई जी प्लस फोर वाई जी इज फाइव वाई जी फाइव वाई जी ठीक है देन माइनस जी स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर दैट इज माइनस टू जी स्क्वेयर और उसके अलावा आखिर में जो है हमारे पास बच जाएगा क्या चीज़ बन जाएगा हमारे पास ये माइनस जी वाई यहाँ पे भी है बल्कि मैं जी वाई को दोबारा देख रहा हूँ प्लस थ्री वाई जी माइनस टू वाई जी क्या बन जाएगा प्लस वाई जी तो प्लस वाई जी प्लस फोर वाई जी ये क्या बनेगा फाइव वाई जी फाइव वाई जी माइनस वाई जी माइनस वन वाई जी ये दोबारा फोर वाई जी बन जाएगा ठीक है सो हमारे पास होगा यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा फोर वाई डिवाइडेड बाय y प्लस z टू वाई प्लस जी ये किस चीज की हमारे पास एक्स प्लस थ्री वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री वाई प्लस एक्स प्लस टू वाय डिवाइड बाय एक्स माइनस टू वाई जो कि ऊपर से आ रहा है ठीक है सो so, हमने जो है इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया यही हमारे पास क्या है आंसर आई होप कि यहाँ पे जो है आपको समझ आ चुका होगा कि हम जो है किस तरह हमने किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया